इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आईफोन में फोटोज़ वगैरह जो भी होते हैं उन पर लॉक कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप फोटोज़ ऐप पर लॉक लगा सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर फोटोज़ पर जो है लॉक नहीं लगा सकते, जो इमेज रहती है। ठीक है, तो उन पर लॉक कैसे लगाएं? ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी एक एप्लीकेशन की। ठीक है, जो आपको यहाँ पर ऐप स्टोर पर मिल जाएगी। ठीक है, जब आप सर्च करेंगे उसके बाद यहाँ पर सर्च करिएगा कीप सेफ। ठीक है, यहाँ पर एप्लीकेशन सर्च कर दीजिएगा। अब मैंने पहले से ही इंस्टॉल कर रखी है ये वाली एप्लीकेशन, तो आप भी इंस्टॉल कर लीजिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद ओपन कर लीजिए। यहाँ पर एक पिन आपसे जनरेट हो जाएगा, तो वो पिन आप यहाँ पर एंटर करिएगा, जो भी आपका पिन है। उसके बाद ये खुल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ऐड फोटो पर टिक करना पड़ेगा। अब जो भी फ़ोटो आप ऐड करना चाहें, जो भी मतलब जैसा भी फ़ोटो, कोई भी फ़ोटो, जैसे ही फ़ोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ऐड टू वॉल्ट पर टिक करते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि यहाँ से डिलीट फ्रॉम फ़ोटोज़ पर टिक करना है, और यहाँ पर ये एडिट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, आप चाहें तो आप गैलरी से डिलीट कर सकते हैं जो आपकी फ़ोटोज़ ऐप है, और यहाँ पर जब भी आप इसे खोलेंगे तो आपको पासवर्ड दिखाई देगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो है अपने फ़ोटोज़ पर जो है पासवर्ड लगा सकते हैं अपने आईफोन के अंदर। ये तरीका रहता है छोटा सा बस। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।